मुझे जोधा वालों के लिए अक्टूबर का महीना इनके लिए कुछ खास नहीं है। जायचे के आठवें घर का मालिक स्यारा चला गया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना रहेगा। तो आपने इस महीने में मोहतात रहना है। अगर बात जॉब के हवाले से की जाए तो हो सकता है कि इस महीने में कुछ लोगों को नौकरी से निकाल भी दिया जा सकता है या नई नौकरियों पर बंदिश भी लग सकती है। अगर आप जॉब तलाश कर रहे हैं तो इस महीने आपको कोई जॉब नहीं मिलती नजर आएगी, और अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो इसमें नौकरी के हवाले से कोई तरक्की होती हुई नज़र नहीं आ रही। अगर बात कारोबार के हवाले से की जाए तो जोधा अफराद के लिए अक्टूबर के पहले 15 दिन तो अच्छे रहेंगे, मगर महीने के आखिरी 15 दिन काफ़ी मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो कोशिश करें, अगर किसी से पैसे लेने हैं तो 15 दिन से पहले वसूल कर लें, वरना 15 दिन के बाद कोई चांस नहीं है। अगर बात सेहत के हवाले से की जाए तो जोधा अफराद के लिए अक्टूबर का महीना सेहत के हवाले से कुछ खास नहीं है। आपसे गुजारिश है कि गाड़ी चलाते हुए आपको एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि जायचे के आठवें घर में स्यारा जोहल बैठा हुआ है, जो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाता रहेगा। तो सेहत के मामले में आपने एहतियात करनी है और आपको अपना ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है। मोहब्बत के हवाले से जोधा वालों के लिए अक्टूबर के महीने में मोहब्बत के मामले में कोई अच्छी खास सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि हो सकता है कि आपका साथी आपको धोखा दे सकता है। लिहाजा थोड़ा संभल कर और सब्र से काम लेना चाहिए और मोहतात रहना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे हालात पैदा ही ना हो जिससे बातचीत का वास्ता या रابطہ ख़त्म हो जाए। और कोशिश करनी है आपने तमाम मामलात को अपने हाथ से निकलने नहीं देना। अगर बात रिलेशनशिप के हवाले से की जाए तो आपकी अजवाजी ज़िंदगी में काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है। इस महीने शादीशुदा जोड़े टूर प्लान कर सकते हैं और लंबे सैर सपाटों का प्लान बना सकते हैं। ऐसे मामलात में जोधा काफ़ी इंजॉय करते हैं। वो जोधा अफराद जो बड़े ही आला ओहदों पर फायद हैं, गवर्नमेंट ओहदों पर हैं या हकूमत में हैं, वो अक्टूबर के महीने में बड़े से बड़े प्रोजेक्ट मुकम्मल कर पाएंगे इंशाल्लाह। जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं इन्हें भी अपनी मर्ज़ी के रिजल्ट्स मिलते नज़र आएंगे। अगर आपने अपनी जॉब के लिए कहीं ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया हुआ है तो इंशाल्लाह अक्टूबर के महीने में आपकी जॉब ट्रांसफ़र भी हो सकती है और आपको अच्छा बोनस भी मिल सकता है, और इस महीने आपकी तरक्की के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। इस महीने आपकी सैलरी में इजाफा होते हुए देख रहा हूँ। अगर बात सफ़र के हवाले से की जाए तो अक्टूबर के महीने में आपको सफ़र ज़्यादा करना पड़ेगा, कारोबारी लिहाज से ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। आप अपनी फैमिली के साथ टूर पर भी जा सकते हैं। अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए सैर सियाहत के लिए बेहतरीन महीना साबित रहेगा इंशाल्लाह। एजुकेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो जोधा वाले स्टूडेंट के लिए अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो इस महीने काफ़ी अच्छे मार्क्स लाएंगे।